टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला आज दक्षिण अफ्रीका से होगा। दक्षिण अफ्रीका चोकर टीम कही जाती है, लेकिन टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला कतई आसान नहीं माना जा रहा है। निश्चित तौर पर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम देश को एक और खिताब दिलाने की कोशिश करेगी, लिहाजा पूरे देश में जो है खिलाड़ियों की अलग अलग अंदाज में हौसला अफजाई की जा रही है, पूजा की जा रही है, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, और इसी तरीके का नजारा आपको संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है प्रयागराज के एंग्लो बंगाल इंटर कॉलेज में, जहां आप देख सकते हैं कि क्रिकेट की एबीसीडी सीखने वाले तमाम बच्चे हैं, साथ ही साथ उनके कोच भी हैं, नेशनल स्तर तक खेल चुके, नेशनल लेवल तक खेल चुके कई खिलाड़ी भी हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। बताइए, क्या कामना आप लोग कर रहे हैं? अब हमारा कामना तो यही होगा कि इंडिया आज का वर्ल्ड कप जीत जाए, और यही चाहेंगे कि कोहली के छक्के गोली से ज्यादा तेज जाए, और आज कोहली अपना सेंचुरी कंप्लीट करे, और रोहित शर्मा भी आज फॉर्म पे खेल रहे हैं, सारे खिलाड़ी आज अच्छा अपना प्रदर्शन करें, सारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें। विराट कोहली की सेंचुरी चाहते हैं। विराट कोहली ने अभी इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, क्या लगता है कि आज के मैच को कौन जिताएगा? आज के मैच को रोहित शर्मा, विराट कोहली और बॉलर्स में हम देख सकते हैं तो कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह पे जिम्मेदारी रहेगी, और आज का मैच तो सबका बहुत इंतजार था, और आज का मैच इंडिया को जरूर जीतना चाहिए, और सामने भी एक अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका, तो ये मैच देखने में बहुत ही आनंद आएगा सबको। इंडिया मैच जीतेगी, लेकिन क्रिकेट का जो रोमांच है वो अपने शबाब पर रहेगा, वो जरूर देखने को मिलेगा। इस तरीके की बात ये खिलाड़ी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अफराज बेग। अफराज, ये बताइए कि क्या लगता है कि आज बड़ा कांटे का मुकाबला होगा? जी, वैसे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका पहली बार पहुंची है, इसीलिए वन साइडेड होगा शायद से इंडिया के लिए। जी, इंडिया के लिए आसान रहेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका अक्सर जो है वो टूर्नामेंट में बाकी मैचेस जीत लेती है, लेकिन खिताबी मुकाबले में बिछड़ जाती है। आगे आइए, क्या नाम है आपका? दिव्य साहू। दिव्य, क्या लगता है कि आज का मैच किस तरीके का होने वाला है? जी, मैच तो अच्छा होगा साउथ अफ्रीका और इंडिया। साउथ अफ्रीका अपनी पूरी जान लगाएगी इंडिया भी, क्योंकि इंडिया 2011 के बाद अब देखेगी कि एक आईसीसी टूर्नामेंट जीते, और रोहित शर्मा रन बनाएंगे, विराट कोहली और बुमराह हमारे पास है, कुलदीप भी हमारे पास है, तो सेकेंड इनिंग में हम लोग जीत सकते हैं। हम लोग मैच तो जीतेंगे पूरा, इतना तो गारंटी है। गारंटी है कि इंडिया जीतेगी, हमारे सारे प्लेयर फॉर्म में। अच्छा, आप आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? ओजस नाम है मेरा। ओजस, ये बताइए कि 2011 की बात हो रही थी, महेंद्र सिंह धोनी ने खिताब दिलवाया था, लगता है महेंद्र सिंह धोनी की तरह रोहित शर्मा भी कमाल करेंगे, उनकी नेतृत्व वाली टीम भी कमाल करेगी? जी, 2011 के बाद अब रोहित शर्मा एक ऐसी टीम लेके चल रहे हैं जो कोई वर्ल्ड कप एक जीत सकती है। जैसे अभी हमारी टीम में पूरा बैलेंस है, बैटिंग में रोहित शर्मा खुद, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल चल रहे हैं, एवं बॉलिंग में बुमराह, अर्षदीप लास्ट मैच में फॉर्म में नहीं थे, बट वैसे पूरे वर्ल्ड कप में उनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, और मिडिल ओवर्स के लिए कुलदीप यादव है, तो उम्मीद रहेगी ये वर्ल्ड कप हम जीते। हमारे साथ इन बच्चों के, ये जो देख रहे हैं आपकी हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं, खास अंदाज में टीम इंडिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके कोच उदय जी भी हमारे साथ हैं। उदय भाई, आपने तो रणजी भी खेली है, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बहुत करीब से आप आंक रहे हैं, क्या लगता है प्लेइंग 11 वही होनी चाहिए या कोई बदलाव होना चाहिए? देखिए, टीम कोई भी हो, अगर जीतती चली आ रही तो उनका बैलेंस अच्छा होगा, तभी वो टीम कंटिन्यू जीत रही, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होंगे दोनों ही टीम में। दोनों टीम कंटिन्यू अच्छा खेल रही है, लगातार सारे मैच जीतते हुए आ रहे हैं, तो ये मुकाबला अच्छा होगा और इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा है। एक रोहित शर्मा फॉर्म में चल रहे हैं और एक अच्छे कप्तान है रोहित शर्मा, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में इस बार जो इंडिया वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। अच्छा, ये नहीं लगता आपको कि शिवम दुबे की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहिए? देखिए, ये तो एक टीम कॉम्बिनेशन का हिस्सा है, और जो टीम मैनेजमेंट एक फैसला लेती है उसमें कोई बाहर से हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग भी क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझते हैं, और ऑडियंस को ऐसा लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, ऐसा गलत, लेकिन जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वही टीम खिलाना चाहती है, टीम मैनेजमेंट का वो डिसीजन होता है, और टीम अच्छा खेल रही है, कंटिन्यू जीत रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होने चाहिए। बिल्कुल चेंजेस नहीं होना चाहिए। बच्चे, आप लोग शांत रहिए एकदम, जो है देखिए अभी फिर आएंगे हम, आप लोगों से फिर बात करेंगे, आप आगे आ जाइए। आपने विराट के नाम वाली टी शर्ट पहन रखी है, अभी तक विराट कोहली कुछ खास नहीं कर पाए इस टूर्नामेंट में, क्या लगता है आज विराट कोहली के बल्ले से रन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, मुझे उन्हीं से उम्मीद है कि अगर वो परफॉर्मेंस करेंगे तो हमारा वर्ल्ड कप इंडिया में आएगा।
और मुझे बहुत उम्मीद है इंडिया टीम से, क्योंकि तो हमने दो मैच ऐसा वर्ल्ड कप में हारे हुए हैं फाइनल में पहुंच के, और इस वर्ल्ड कप को मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कि मुझे इस कप वर्ल्ड कप को एंड में बनाना है। तो मतलब विराट कोहली लगता है आज कमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे 100% उम्मीद है कि वो करेंगे। तो अभी जैसे हमने नवंबर में देखा था जब वनडे वर्ल्ड कप चल रहा था कि विराट कोहली ने जब कमाल किया तो अनुष्का शर्मा ने जो है ड्रेसिंग रूम के बगल से बैठ करके फ्लाइंग किस किया था, वो नजारा कल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल 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 मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि वो नजारा मुझे देखना चाहिए, और मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूँ तो विराट कोहली से मुझे बहुत उम्मीद है कि मुझे उनसे ये जो उम्मीदें हैं वो उम्मीद मेरे कायम रहे, और मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया वर्ल्ड कप लेके अपने देश आए, और इस खुशी को मैं अपने सेलिब्रेशन में मतलब। देखिए और भी लोग हैं जो बड़े खिलाड़ी, उनसे बात करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये लगातार आपस में बात कर रहे हैं, ये बताइए क्या बातें हो रही है आप लोगों में? हमारे में तो यही बात हो रही है कि कोहली को अब मारना ही पड़ेगा, अब सारे प्लेयर्स को फॉर्म में आना पड़ेगा, सबको अच्छा खेलना पड़ेगा, तभी वर्ल्ड कप जीत पाएंगे, तभी वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। आगे आइए, आप पसीना बहुत निकला आपको, क्या नाम है? अक्षज। अक्षज ये बताइए कि अगर कल आज जो है ये टीम इंडिया मैच जीतती है, खिताब जीतती है, वर्ल्ड कप जीतती है, तो किस तरह से सेलिब्रेशन होगा? हर तरीके जिससे जिस तरीके से कर सकते हो उस सारे तरीकों से करेंगे, और सब आएंगे कल तो यही मना। क्या नाम है आपका? आप तो बहुत छोटे दिख रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर है। रणवीर थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। मेरा नाम रणवीर है। रणवीर ये बताइए कि सेलिब्रेशन कैसे, सेलिब्रेशन की भी तैयारी है? यस, इंडिया जीतने का बहुत मौका है, विराट कोहली अच्छा खेले और बुमराह बॉलिंग अच्छी फेंकेगा तो इंडिया के बहुत जीतने की चांस है। मतलब विराट कोहली और बुमराह कमाल करेंगे। आपका क्या नाम है? प्रखर मालदिया। प्रखर ये बताइए क्या लगता है कि कौन सी ताकत है जो इंडिया को मैच जिताएगी, खिताब जिताएगी, जो वो प्लस पॉइंट क्या है इंडिया का? इंडिया का प्लस पॉइंट उसकी इस समय बॉलिंग है, बॉलिंग अच्छा कर रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट थोड़ी स्लो है और वहाँ पे हमारे स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, हमारे स्पिनर कुलदीप यादव अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, स्टार्टिंग के पार्ट में उन्होंने 2 विकेट लिया था, और इंडिया की बैटिंग इस समय मजबूत है, बस विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, हमें उम्मीद है कि विराट कोहली फॉर्म में आए, रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, 2 मैच 50 मार के आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या अच्छे फॉर्म में, पिछले मैच में उन्होंने 2 छक्के अच्छे मारे थे, फ्लैट छक्के मारे थे, और अक्षर पटेल भी फॉर्म में, रविंद्र जडेजा। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद ये है कि इंडिया जीतेगी, जीतेगी और मैच अच्छा होगा, मैच अच्छा होगा। आप आगे आइए बेटा, क्या नाम है आपका? श्रेयांश लाल। श्रेयांश ये बताइए क्या लगता है क्या होने वाला है आज, कौन मैच जिताएगा? जीतेगी तो इंडिया ही, लेकिन अगर कोई टक्कर दे सकती थी तो वो साउथ अफ्रीका थी। कौन मैच जिताएगा आज इंडिया को? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो खिलाड़ी हैं, जो इनके कोच हैं, इन सभी को इस बात का पूरा यकीन है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी जिस तरीके से फॉर्म में हैं, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि आज का खिताबी मुकाबला टीम इंडिया जरूर जीतेगी, देश को एक और वर्ल्ड कप मिलेगा, और लोगों को ये भी उम्मीद है कि रोहित शर्मा कप्तानी पारी आज एक बार फिर से खेलेंगे, साथ ही साथ विराट कोहली का भी बल्ला चमकेगा और टीम इंडिया खिताब जीतने में कामयाब होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।